प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, जल्द ही बिहार को एक और एयरपोर्ट मिलने की संभावना है। सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट को जल्द चालू किया जा सकता है। बीएमपी ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। बीएमपी के अधिकारियों ने इसे अच्छा बताया है। निरीक्षण के बाद वीरपुर एयरपोर्ट चालू करने की उम्मीद जगी है। इस एयरपोर्ट से सिर्फ घरेलू उड़ानें ही भरी जाएंगी। बिहार में भी 3 एयरपोर्ट चालू हैं, इनमें पटना, गया और दरभंगा है, जहां से उड़ानें भरी जाती हैं। इसके अलावा जल्द एक और एयरपोर्ट बिहार को मिल सकता है। नेपाल की सीमा से सटे सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट को जल्द चालू किया जा सकता है। सोमवार को बीएमपी के अधिकारियों ने 1.6 किलोमीटर रनवे का शुरू से अंत तक सर्वे किया। अधिकारियों ने इस एयरपोर्ट को ठीक बताया है। देश के विभिन्न प्रांतों के कुल 24 हवाई अड्डों का घरेलू उड़ान के लिए चयन किया गया था। इसमें वीरपुर हवाई अड्डा भी शामिल था। जानकारी के अनुसार बीएमपी के अधिकारियों ने पहले सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के हवाई अड्डों का सर्वे किया था, लेकिन अधिकारियों ने वीरपुर के हवाई अड्डे की स्थिति को बेहतर बताया। वीरपुर के हवाई अड्डे की 2008 के बाद मरम्मत कराई गई थी। इस मरम्मत में 22 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। पहले भी वीरपुर के हवाई अड्डे को चालू करने की बात की जा चुकी है, तब घरेलू उड़ान के लिए इसके चयन की बात सामने आई थी। अभी बीएमपी के अधिकारियों के निरीक्षण के बाद इस पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। हालांकि अधिकारियों ने भी इसे अच्छा बताया है। अब उम्मीद है जल्द ही इसकी कवायद भी जमीन पर दिखने लगेगी। वहीं वीरपुर के हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आगमन पर 18 हवाई जहाज और 3 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी हुई थी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।